आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे पाकिस्तान की फिर से। क्या पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच में पाकिस्तान का हाथ है? नहीं। आपको बता दूं ये मेरा प्रोबेबली इस पर लास्ट लेक्चर है, इससे पहले कुछ बहुत बड़ा अगर मान लीजिए कि डिसीजन आया तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट में पीएम सिक्योरिटी ब्रीच की सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो यहां पे बीएसएफ को एक अबैंडेंड बोट मिली है। आपको पता ही था कि प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में, तो उसकी रैली करने गए थे, पंजाब में रैली करने गए थे और वहां पे एक फ्लाई ओवर तक वो 20 मिनट तक खड़े रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फिरोजपुर का एरिया 10 किलोमीटर दूर है यहां से पाकिस्तान का बॉर्डर। इस समय इसी साल फेब में पाकिस्तान और भारत की सेना ने एक एग्रीमेंट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ऐसा है सीज फायर का उल्लंघन ना तुम करोगे ना हम करेंगे, वैसे भी भारत तो करता नहीं है, तो ना गोलीबारी एक तरीके से बंद हो गई, लेकिन अभी ये रिज्यूम हो गई है दोबारा। अभी आपने देखा था ना कि भारतीय सेना ने एक आतंकी कोशिश कर रहा था घुसने की, मार गिराया। इस समय हालात ये हैं कि उधर साइड बॉर्डर के उस साइड अच्छी खासी सेना तैनात है ना। मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये सीधा शूटिंग रेंज में था ये, ठीक है 10 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा फासला नहीं होता है, शूटिंग रेंज में था, तो उस हिसाब से पीएम सिक्योरिटी ब्रीच गंभीर है। यहां पे बीएसएफ को अबैंडेंड बोट मिली है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर करता है वहां से ड्रग्स भी सप्लाई होते हैं, मतलब भारत में इधर गोल्डन क्वाड्रिलेटर, गोल्डन ट्रायंगल है और इधर गोल्डन क्रेसेंट है, तो गोल्डन क्रेसेंट में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पंजाब से होते हुए ये ड्रग्स का भी कारोबार होता है, तो कई बार इस तरीके के बोट्स मिलती रहती है। उड़ता पंजाब मूवी देखी है कि नहीं? कई बार इस तरीके की बोट्स या ऐसा कि भाई ड्रग्स छोड़ दिया और उसके बाद वो ले गए। हालांकि इस समय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारी, उसने बहुत तगड़ा पहरा देकर रखा हुआ है कि ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो, तो एक तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान वाकई में कुछ इस तरीके का पाकिस्तानी एंगल है या कुछ खालिस्तानी एंगल है? कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है भाई यहां पे खालिस्तान, ठीक है, खालिस्तानी मिलिटेंट्स जो हैं या इसके सपोर्टर्स प्रधानमंत्री मोदी को एंटी पंजाबी दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से ये सब ऐसा नहीं है। यहां पे ये जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं इनमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि भाई देखो सिक्योरिटी क्या ही ब्रीच हुई, आप वहां पे गए और ये कोई आतंकी नहीं थे, ये प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और आपसे बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों इट इज क्वाइट डेंजरस, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री देश का लीडर होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली थी इट वॉज अ फ्लॉप शो। 10,000 लोग आने वाले थे लेकिन सिर्फ 700 लोग आए, खाली कुर्सियां, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो वापस लौट गए, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। तीसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इस मामले को पेश किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के इस मामले को पेश किया जा रहा है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अरे यार सिक्योरिटी ब्रीच ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीच कैसा, क्योंकि एंड टाइम पे यहां पे पीएम मोदी जी ने अपना शेड्यूल चेंज किया। वो आने तो हेलीकॉप्टर से वाले थे लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने बोला कि नहीं हम कार से जाएंगे। अच्छा यहां पे बाकियों का क्या कहना है? देखिए भाई ब्लू बुक के अकॉर्डिंग अगर प्रधानमंत्री के शेड्यूल में कोई भी चेंज आता है तो पुलिस को यह देखरेख करनी पड़ती है, पुलिस को यह सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो भाई एक तो पुलिस की गलती है, क्योंकि आपको पता ही ना कि प्रधानमंत्री एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, भाई वो जो कमांडोज होते हैं ना बढ़िया एकदम सूट पहने हुए और चश्मा लगाए हुए, वो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी होती है। बाकी जो क्लियरेंस का काम होता है ना वो पुलिस का होता है, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस क्या कर रही थी, यहां पर जो मेन गलती है वो पुलिस की है। दूसरी चीज ये है कि वैसे ही पीएम रेडार्स पे होते हैं, मैंने कल बताया था ना कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करती है, जरा सी चूक जो है वो लीडर की जान ले सकती है। यहां पे अमेरिका का लीडर सेफ नहीं है तो भाई आप क्या ही कर सकते हो। तो इसीलिए पीएम एज अ लीडर के हिसाब से इट वॉज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। तीसरा पॉइंट यहां पर यह बताया जा रहा है कि देखो ये जो हादसा हुआ ये पाकिस्तान के जस्ट बगल में हुआ है, तो ये शूटिंग रेंज में ही था। यहां पे कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल प्रधानमंत्री शूटिंग रेंज में थे, तो कुछ भी अगर गलती होती तो प्रधानमंत्री उड़ा दिए जाते। इस हिसाब से हमको देख के चलना पड़ेगा। फिलहाल
देखिए इस पे हाई लेवल कमिटी जो है वो बैठा दी गई है और इसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चालू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चालू हो रही है, 3 जज बेंच बैठी हुई है जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और अभी यही बोला है, फिलहाल फ्राइडे को सुनवाई शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अब आगे कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, पुलिस कोऑपरेट नहीं करती तो पुलिस को कायदे से कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब जो भी डिसीजन आएगा उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये काफी बोला जा रहा था कि क्या भाई प्रधानमंत्री जी जो ये इनका सिक्योरिटी ब्रीच है इसमें कोई पाकिस्तानी एंगल है, खालिस्तानी एंगल है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें जो कुछ खालिस्तानी जो है ना, पंजाब को अलग वो काटने की बात करते हैं, 1980s का पूरा मामला है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला ही था, आपको पता ही इंदिरा गांधी मार दी गई थी, तो ये खालिस्तानी वाला एंगल इसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि हाल ही में हमने पंजाब के कोर्ट में अटैक देखा है ना, वहां पे भी जो सिख जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन थी उसका हाथ सामने आया। उसके बाद अभी काफी गतिविधियां भी देखी कि जो हथियार हैं, असलहे हैं, वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में लाए जा रहे हैं। तो खालिस्तानी एंगल को हम नकार नहीं सकते लेकिन पाकिस्तानी एंगल नहीं है, तो इसमें हमको इतना ज्यादा, क्योंकि अभी ये बोला जा रहा है कि क्या वाकई में पाकिस्तानी एंगल है, बोट मिली, अबैंडन्ड बोट मिली है, तो उसको हम इतने अच्छे से नहीं कह सकते। ये लेक्चर था दोस्तों, छोटा सा लेक्चर था है ना, अब इस पर कुछ भी डिसीजन आएगा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। कुछ रहे, पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।